और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी हुई। चीन ने एक विवादित नक्शा जारी किया है जिसमें भारतीय सैनिकों के बॉर्डर क्रॉस करने को दिखाया गया है। नक्शे में बताया गया है कि भारतीय सेना ने डोकाला पास बॉर्डर से चीन की सीमा में एंट्री की। वहीं इस नक्शे में भूटान के कुछ हिस्से पर भी बीजिंग का अधिकार दिखाया गया है। चीन ने एक नया नक्शा जारी करते हुए विवाद को और बढ़ा दिया है। चीन ने भूटान की जमीन को अपना बताया है। ये डोकलम पठार का हिस्सा है जो कि भूटान में आता है। भारत भी इस हिस्से को भूटान में दिखाता है, लेकिन चीन ने ये नया नक्शा जारी करके भूटान के इस हिस्से को अपना बताया है, यानी कि चीन का बताया है। और इससे एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीन के बॉर्डर को पार कर चीनी हिस्से में जाने की कोशिश की।